स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और आगे देखिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल के दाम तो पहले से ही बढ़े हुए चल ही रहे थे, इसी के बाद एक नई खबर आई है। अब देखने को मिल रहा है कि आज बिजली के भी दाम है जो कि बढ़ा दिए गए हैं। हमारे साथ भिंड के और भी काफ़ी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि बिजली के दाम बढ़ने के बाद वो क्या कहेंगे। तो बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, क्या कहेंगे? बिजली के दामों से आम आदमी पर बुरा असर पड़ेगा। गरीब किसान मजदूर पहले से ही उसकी कमर टूटी हुई है, इससे सबसे ज़्यादा जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान रहेगा और सबसे ज़्यादा परेशान रहेंगे। हमारे साथ भिंड के और भी नागरिक हैं, हम उनसे और भी बात करेंगे कि बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, क्या कहेंगे? बिजली के दाम बढ़ने से बहुत ज़्यादा परेशानी है किसान को, आम वर्ग को, जो भी लोग हैं। पहले से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। हमारा सोचना यह है पेट्रोल डीजल के दाम विगत 5 महीनों से स्थगित थे, चुनाव की वजह से, चुनाव खत्म होते ही गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए और दाम बढ़ाना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे? सभी लोग परेशान हैं, इसके लिए शासन को सुनना चाहिए। जैसे कि भिंड के काफ़ी नागरिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि बिजली के दाम बढ़ने से काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ आनंद कुशवाहा, इंडिया न्यूज भिंड। राजस्थान में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत के बाद डॉक्टर पर हुआ हत्या का मामला दर्ज, जिसके बाद डॉक्टर अर्चना ने मौत को लगाया गले और उसी के बाद अब पूरे देश और प्रदेश में डॉक्टरों में आक्रोश देखा जा रहा है। इस वक्त मैं बड़वानी में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहां पर डॉक्टर लोग इस अर्चना की मौत को लेकर वी डिमांड जस्टिस फॉर लेट डॉक्टर अर्चना की मांग कर रहे हैं और इनके हाथ में कैंडल है और ये डॉक्टर अर्चना के जस्टिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद हैं, हम लोग उनसे ही जानेंगे कि डॉक्टर के लिए ये आज रैली निकाली जा रही, क्या कुछ मांगे हैं? ये मांगे जो दौसा में, जो राजस्थान के दौसा में जो एक इंसिडेंट हुआ है, उसमें एक हमारी बहुत ही होनार गायनेकोलॉजिस्ट जो थी, गोल्ड मेडलिस्ट, काफ़ी सीनियर मैडम थी, उनके यहाँ पे एक पेशेंट की इलाज के दौरान उनके भरसक प्रयास करने के बावजूद मृत्यु हो गई थी। उस केस में कुछ मरीज के परिजन तो कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ अवांछित तत्व आए और उन्होंने अस्पताल के सामने उसके मरीज की जो उसकी मृत्यु हुई थी उसकी डेड बॉडी रखकर काफ़ी हंगामा किया और जबरन 302 की धारा लगवाई। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार डॉक्टर के इलाज के दौरान किसी भी मरीज की मृत्यु होती है तो 302 की धारा कभी नहीं लगाई जाती है, उस पर निग्लिजेंस का केस दायर होता है, उसको गिरफ्तार भी नहीं किया जाता है और उसके आधार पर फिर कोर्ट उसकी विवेचना करती है और उसके बाद उसका फैसला आता है। अभी क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे ये है कि जिन लोगों के कारण ऐसा हुआ है, जो लोग इसके दोषी हैं, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए, भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके लिए ठोस कानून बनाए जाए और डॉक्टरों को कंज्यूमर फोरम से बाहर किया जाए। बिल्कुल, तो भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। योगेश चोयल, इंडिया न्यूज, बड़वानी। आज शैक्षणिक सत्र 2022-23 का पहला दिन है, बच्चे एक बार फिर से सामान्य तौर पर स्कूल पहुंचे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि एक निजी स्कूल में यहां पर इस समय बच्चों का जो सारी चीजें बनाई गई है कि सुबह 7 बजे से लेकर यहां पर 10:30 बजे तक ही स्कूल में बच्चे पहुंचेंगे और इसके बाद 12 बजे तक ही स्कूल चलाए जा सकेंगे। इस तरीके से शिक्षा विभाग ने यहां पूरी तरह से तैयारी की हुई है कि बच्चे भीषण गर्मी से बचें और साथ ही यहां पर पहली ही पारी में शिक्षा विभाग ने स्कूल चलाने की कवायद की है। हमारे साथ कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर आज पहला दिन है, कैसा लग रहा है उनको। मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, आप आइए, कैसा लग रहा है आज पहला दिन? बच्चे आज स्कूल आए हैं, आप लोग सामान्य तौर पर कैसा रहा पहला दिन? मजा आ गई आज 2 सालों के बाद स्कूल को देखकर। ऐसा, क्या पढ़ाई हुई? अच्छी हुई? अच्छी हुई थी। सभी से फ्रेंड्स मिले, पुराने फ्रेंड्स? हाँ मिले, पुराने टीचर? हाँ। कैसा लग रहा है आपका, कैसा लगा स्कूल आके? अच्छा अच्छा। यहाँ पर स्कूल आकर पहला दिन ही उनका खुशनुमा रहा, मस्ती से भरा रहा। तो एक बार फिर स्कूल चले हम की कवायद पर यहाँ पर 2022-23 का शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। बस विडंबना यह है कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ही स्कूल संचालित करने हैं।
ताकि यहाँ पर भीषण गर्मी से बचा जा सके, कोरोना से बचा जा सके, क्योंकि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सैनिटाइजर का उपयोग करिए, क्योंकि 31 मार्च से छत्तीसगढ़ में सभी तरह की पाबंदियां कोरोना को लेकर हटा दी गई हैं और अब हम एक बार फिर से सामान्य जीवन जिंदगी जीने को की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक डक्सेना के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज रायपुर। इस वक्त मैं इंदौर के केंद्रीय विद्यालय की एक कक्षा में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि इस कक्षा में बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़े गौर से सुन रहे हैं। सामने स्क्रीन लगा है, सभी बच्चे इस क्लास में मौजूद हैं और बच्चे प्रधानमंत्री को सुनने में इतने तल्लीन हैं कि आप देख सकते हैं कि सबकी निगाहें जो हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त लगी हुई हैं। बच्चों से इंटरेक्शन चल रहा है इस वक्त, कोशिश करूंगा कि बच्चों से बात कर लूं, बच्चे बता पाएंगे। बेटा, पीएम को आप सुन रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, जब पीएम बोलते हैं तो कैसा लगता है? बहुत इंस्पायरिंग होता है और मतलब बहुत नया जानने को मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है। हाँ। बच्चे कहते हैं कि मोटिवेशन भी मिलता है। उन्हीं के एज ग्रुप के बच्चों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री से सीधे तौर के ऊपर इंटरेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों को तल्लीनता से हम सुनने देते हैं। मैडम यहाँ मौजूद है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। मैम, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से बच्चे सुन रहे हैं और एक एक चीज से तालियां बजा रहे हैं। जैसे ही वो कुछ उनके मन की बात बोलते हैं, बहुत खुश होकर तालियां, ऐसा लगता है वहाँ नहीं यहाँ बज रही है, बिल्कुल ऐसा लगता है, ऐसा लगता है बिल्कुल यही प्रवेश कर गए हो यहाँ, ऐसा लगता। कितना इंस्पिरेशनल होने वाला है इन बच्चों के लिए सेशन? सर मैं तो सोचती हूँ कि बहुत खुश है बच्चे और एक जो इनके मन में जो इतने दिन से टेंशन नजर आ रहा था कि हम कैसे एग्जाम देंगे, क्या करेंगे, वो सारा टेंशन इनका बहुत कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और उनकी बहुत सारी बातें ऐसी कि जो हम लोगों के भी मन को लग जाती है कि हमें ऐसा करना चाहिए ताकि बच्चा जो है टेंशन फ्री रहे, उसका स्ट्रेस रिड्यूस हो सके। जरूर बात करता हूँ। तो अभी आपने छोटे बच्चों को सुना कि ये छोटे बच्चे भी बैठकर प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और ये बात निश्चित हो जाती है कि भारत का भविष्य निश्चित रूप से अच्छा होगा यदि प्रधानमंत्री की बात बच्चे सुनते हैं और उसे एक मोटिवेशन के रूप में लेते हैं। वीरेन के साथ मैं अभिषेक, इंडिया न्यूज़ इंदौर। गर्मी का मौसम है और पानी की बात करते हैं हम, तो पानी को लेकर किस तरह का हालात है इस समय? हम बालाघाट के ग्रामीण अंचल कुलपा गांव में है जहां पर पानी को लेकर बहुत समस्या बनी हुई है। कहने के लिए विभाग ने नल जल योजना के अंतर्गत टंकी बना दी है लेकिन ये टंकियों में पानी नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से नल की फिटिंग है, फ्री है, ये टंकी पूरी तरह खाली है। लोगों को न नल जल योजना से पानी मिल रहा है, न हेडपम्प से पानी मिल रहा है। यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि पानी को लेकर क्या स्थिति। सर बताएं, पानी को लेकर क्या स्थिति है? पानी का बहुत समस्या है जी, यहाँ पानी मतलब गांव में है कि नहीं है पानी की समस्या तो बहुत है। पंचायत के तरफ से मनरेगा अंतर्गत के अदर से कुआ आया था, हमने जमीन दिया, पंचायत वालों ने जमीन मांगा, हमने जमीन दिया पर कुआ अधूरा हुआ, अधूरा है। आपके यहाँ हेडपम्प है कि नहीं गांव में? हेडपम्प है लेकिन थोड़ा दूरी पर है। तो देख सकते हैं ग्रामीण जन ये बता रहे हैं कि पानी को लेकर यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि अभी गर्मी का भीषण दौर भी आने वाला है, क्योंकि अप्रैल का माह शुरुआत हुई है, अप्रैल के बाद मई आना है, जून आना है, एक तरह से कहीं ना कहीं पानी का एक भयानक संकट उत्पन्न होने वाला है। देश में महंगाई के बीच अब कंस्ट्रक्शन और घर बनाना भी महंगा हो गया है, सरकारी रेट बढ़ गए हैं और सरकार ने कंस्ट्रक्शन के सरकारी रेट में 8.33% की बढ़ोतरी कर दी है। पहले सरकारी रेट कंस्ट्रक्शन का 12,000 प्रति वर्ग मीटर था लेकिन अब उसको 1,000 रुपये की बढ़ोतरी प्रति वर्ग मीटर करके 13,000 रुपये कर दिया गया है। घर निर्माण की बात करें तो अब घर बनाने का सपना महंगा हो गया है और लगातार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले तमाम मटेरियल्स महंगे हुए हैं। सीमेंट की बात करें तो जो सीमेंट कोरोना काल के पहले 230-240 रुपए की थी वो अब 450 रुपए प्रति बोरी बिक रही है। रेत और गिट्टी के भी यही हाल है। लोहे की बात करें तो सबसे ज्यादा लोहा यूज होती है कंस्ट्रक्शन में और लोहा भी 90 रुपए किलो तक पहुंच गया है, यानी कि दोगुने दाम लगभग बिल्डिंग बनाने के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं और यही वजह है कि घर बनाने का सपना मध्य प्रदेश में अब लगातार महंगा होता जा रहा है और सरकार ने भी अपने सरकारी रेट जो ठेके के रेट हैं उनमें 8.33% की बढ़ोतरी की है।
पहले से ही तमाम चीजें महंगी हुई हैं, दूध महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है और बिजली भी मध्य प्रदेश में महंगी हुई है। इसी के बीच अब घर बनाने का सपना भी महंगा हो गया है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। देखिए बिजली के दाम, गैस के दाम, अब अगर आप किचन में जाएंगे तो आप कितनी गैस बचा पाएंगे? ठीक है आज गर्मी है, अगर आप गीजर का प्रयोग कम कर रहे हैं बिजली में थोड़ा सी कटौती हो जाएगी, मगर अदर चीजों में बढ़ते हुए महंगाई को क्या करेंगे हम? आज खाने की कौन सी चीजों को हम कम करेंगे? ठीक है अब गर्मी पड़ रही है, आपको कूलर की भी जरूरत है, पंखे की भी जरूरत है, फिर क्या करेंगे आप? सरकार से मेरी यही मांग है कि देखिए आप मिडिल क्लास हैं और उससे छोटे जो वर्ग के लोग हैं आप उनको ध्यान रखकर कोई भी बजट को तैयार कीजिए। अमीर लोगों को क्या है वो 10 रुपये खर्चा कर रहे हैं, 100 रुपये खर्चा कर 1000 रुपये कर देंगे, मगर मिडिल क्लास हुए, गरीब लोग हुए, इन लोगों को आपको सोचना पड़ेगा कि वो 10 या 100 रुपये भी खर्चा करेंगे उसके पहले वो 10 बार सोचेंगे। महंगाई से बड़ी परेशानी हो रही है सर, और हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उपभोक्ता परेशान हो रहा है और बहुत कठिन परिस्थितियाँ हैं और घर चलाना मुश्किल जा रहा है, काफ़ी असर पड़ रहा है ना सर महंगाई। जो भी क्या मांग करेंगे सरकार? यही सर कि महंगाई कम होना चाहिए। पेट्रोल डीजल दूध घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर कमर्शियल गैस सिलेंडर और इसके बाद अब एक बार फिर से बिजली महंगी हुई है। महंगाई की मार आम आदमी की कमर तोड़ रही है और घर का बजट बिगड़ गया है। आज हम खंडवा के एक घर में पहुंचे हैं और यहां से जानेंगे कि घर का बजट कैसे बिगड़ा है और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसका असर जनजीवन पर कैसे हुआ है, महिलाएं घर का बजट कैसे बना रही है हम जानते हैं। मैम आपका नाम बताइए और ये बताइए कि जो महंगाई लगातार बढ़ी है कैसे बजट बना रहे हैं आप? जी मैं अपना नाम रचना तिवारी लिखती हूँ। चूँकि देखिए अभी जो जिस तरह से हर चीज़ के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, अभी पेट्रोल डीजल के दाम, अभी पेट्रोल 114 रुपये हो चुका है, गैस की टंकी के 250 कमर्शियल उसके 250 रुपये बढ़ा दिए गए, दूध के 4 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया है, आज से रसोई गैस भी महंगे मतलब बिजली भी महंगी हो गई, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हम मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए तो ये बहुत कठिन समय आ गया है। मैं ऐसा कहूँगी कि अगर ये अच्छे दिन थे तो हमारे पुराने दिन ज़्यादा बेहतर थे। इस समय महिलाओं के लिए बजट के अनुसार घर चलाना बड़ा मुश्किल जा रहा है। कैसे बजट बना पा रहे हैं आप बजट की बात कर रहे हैं, बच्चों के स्कूलों की फीस बढ़ रही है, आप घर के जैसे आप गैस टंकी की बात कर रहे हैं जिसके पहले ही दाम बहुत बढ़ चुके हैं, आज पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, दूध के दाम बढ़े हैं, बजट बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। बच्चों की बढ़ती हुई स्कूल फीस, आज आप किसी भी चीज को लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे घरेलू हर चीजों पर और हमारे बजट पर असर पड़ रहा है। और ये खंडवा के एक किचन से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने गृहिणियों से भी जाना कि आखिर इस बढ़ती हुई महंगाई में वो किस तरह से बजट को मैनेज कर रही है। सभी का यही कहना है कि अगर यही हाल रहे तो फिर बजट संभालना मुश्किल हो जाएगा और कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन में कटौती करनी पड़ेगी। अमित जायसवाल, इंडिया न्यूज, खंडवा। छतरपुर जिले ही नहीं प्रदेश भर में लगातार महंगाई बढ़ने से जो मध्यम वर्ग है उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में अब विद्युत की जब से चर्चा हुई है कि अब विद्युत भी बढ़ रही है जिसको लेकर के आम लोग जो जनता है जो मध्यम वर्ग है वो भूखा सा चिंतित दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में विद्युत विभाग के यहाँ पर MP भी मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना विद्युत बिल जमा करने के लिए आए हैं और उनका भी यही कहना है कि पहले तो पेट्रोल और डीजल के जो ईंधन हैं वो महंगाई हुआ करती थी और अब विद्युत की भी महंगाई बढ़ती जा रही है। जी हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद शब्बीर। यार क्या कहेंगे इस महंगाई को? अरे इस महंगाई के लिए हम 130 रुपये कमा रहे हैं, 130 रुपये में हमारा घर कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा, बस जी जानते हम तो और कुछ नहीं जानते। ये महंगाई हो गई, हम पेट नहीं भर पाएंगे, भूखों मारेंगे बस। अब विद्युत की भी जो बिजली है जो बहुत तो सब कुछ महंगा होना है, जब पेट्रोल महंगा होगा डीजल महंगा होगा तो सब महंगा होना, बहुत महंगाई होना ही होना है। जी लोग जो रोज की दिनचर्या में कम पैसे कमाते हैं यानी कि मजदूरी करते हैं या फिर अपना दिनचर्या चलाते हैं उनमें खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ युवा मौजूद है। भैया जो विद्युत है वो महंगी होती जा रही है और बिल्कुल बिल्कुल इसकी जो लागू होना 2% बिल्कुल महंगी हो रही है, डीजल पेट्रोल के भी रेट बहुत बढ़ रहे हैं, हम जैसे बेरोजगारों को बहुत सी समस्या हो रही है, इससे बहुत महंगाई बढ़ रही है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार गलत कर रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो रोजगार भी देना चाहिए सरकार को, ऐसे में रोजगार का कोई साधन नहीं है, महंगाई ऊंचाई छा रही है, तो बहुत समस्याएं हो रही हैं इससे।
वैसे भी आम लोग जो है वो लगातार बेरोजगारी से झेल रहा है और ऐसे में उन्हें रोजगार भी नहीं मिलता और कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि उनकी जो कमाई है वो स्थिर है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। छतरपुर से इंडिया न्यूज के लिए पवन बिदुआ। मध्य प्रदेश में नई टैरिफ की घोषणा की गई है, 8 अप्रैल से बताया जा रहा है कि उसको लागू किया जाएगा। इस समय मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक एसपी शर्मा सर हमारे साथ में हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या टैरिफ बढ़ाए गए हैं और किस तरीके से ये काम करेंगे। सर, ये अभी अभी मीडिया के द्वारा हमें भी ज्ञात हुआ है, जो मैंने देखा उसमें पता चल रहा है कि गरीब लोगों के लिए इसमें जो 150 यूनिट तक सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, 100 यूनिट पे 100 रुपये का बिल और 150 यूनिट पे 100-150 के बीच का डिफरेंस होता है वो टैरिफ बना के देती है, तो उसमें 5-7 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो गरीबों के लिए उसमें कहीं कोई टैरिफ बढ़ने वाला ऐसा फैक्टर प्रभावित नहीं हो रहा है कि गरीब प्रभावित हो। बड़े लोगों के लिए भी जो ज़्यादा 200 यूनिट से 150 यूनिट से ज़्यादा खपत करते हैं, वहाँ अगर आप देखेंगे तो 5-6% टैरिफ हाइक हुई है, वो बहुत ज़्यादा टैरिफ हाइक नहीं की है। एक्चुअल में अगर देखें तो फ्यूल और अदर चीज़ों का जिससे बिजली बनाई जाती है इतना कॉस्ट बढ़ा है, उसके कंपेरिजन में जो रेट बढ़ाई गई है वो नॉमिनल है। इसमें मैं यहाँ सलाह दूंगा कि अगर हमारे उपभोक्ता, सम्मानीय उपभोक्ता, अगर मितव्ययपा बिजली में उपयोग करें, अनावश्यक लाइट ना जले, अनावश्यक पंखे ना चले, दूसरे उपकरणों का अनावश्यक उपयोग न करें, जितना उपयोग उसके बाद स्विच ऑफ कर दें, तो इससे कई ज़्यादा बचत हम मितव्ययता में बरत सकते हैं, जिससे कहीं कोई भार लोगों के ऊपर नहीं आएगा। सर, समाधान योजना अभी शासन द्वारा चलाई जा रही है, तो क्या है समाधान योजना? समाधान योजना में अगस्त 2020 में कोविड कॉल में जो एरियर 1 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं पर था, तो स्थिति को देखते हुए आर्थिक स्थिति लोगों की खराब होने के कारण कोविड कॉल में शासन ने उसको होल्ड पे कर दिया था, तो वो करीब गुना जिले का 60 करोड़ के करीब पैसा उस समय था, 60 करोड़ था, जो अब बढ़ के वो लगभग 100 ब्याज सहित इंटरेस्ट सहित वो पिछले महीने जिसमें योजना भी दी थी 40% और 50% 60% छूट की, बट उस योजना के बाद भी लोगों ने पैसा जमा नहीं किया था, वो अब बढ़ के 120 करोड़ हो गया था गुना जिले का। उसको अभी घोषणा शासन ने की है कि उसे संपूर्ण राशि को समाप्त कर दिया है, तो इस तरह गरीबों को काफ़ी बड़े फायदा इसमें आएगा 1 किलोवाट। सर, मध्य प्रदेश शासन के जो ऊर्जा मंत्री हैं वो गुना जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, क्या महती योजनाएं उनके द्वारा जिले में शुरू की गई हैं? अभी अभी आपने मीडिया में भी देखा होगा, उन्होंने 8.5 फायदा इसमें आएगा 1 किलोवाट तक। सर, मध्य प्रदेश शासन के जो ऊर्जा मंत्री हैं वो गुना जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, क्या महती योजनाएं उनके द्वारा जिले में शुरू की गई हैं? अभी अभी आपने मीडिया में भी देखा होगा, उन्होंने 8.33% बोनस जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उसके उनके लिए उन्होंने घोषणा की है, उसमें समिति भी बनाई है और वो उनका भुगतान कराएंगे। इसी तरीके से दूसरा एक उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण योजना चालू की है कि उनने अपने यहाँ एक पोर्टल खोल के रखा है और एक अलग हेल्प डेस्क बना के रखा है, जहाँ कोई भी व्यक्ति प्रदेश का डायरेक्ट उनको शिकायत कर सकता है और वो तत्काल ऑनलाइन विभाग को पहुँचती है, संबंधित विभाग को, वहाँ से उसका समाधान तत्काल होता है। तो वैसे तो इसके लिए तमाम पोर्टल बने हुए हैं, सीएम हेल्पलाइन और दूसरी, इसके अतिरिक्त तो माननीय मंत्री जी द्वारा इतनी गहराई तक विद्युत की समस्याओं का निराकरण कराने का प्रयास किया गया, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सर, अभी आपका क्या संदेश है इंडिया न्यूज के माध्यम से जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते? सबसे बड़ा संदेश ये है कि मितव्ययता बरतें, बिजली का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि बिजली जो उपलब्ध कराई जा रही शासन द्वारा जनता को बहुत सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराई जा रही है, शासन उसका बहुत बड़ा भार शासन अपने स्तर से चुका रहा है, तो हम अपनी ही बचत नहीं करेंगे मितव्ययता बरतने के साथ साथ शासन की भी उसमें बचत होगी। जो हम महंगी बिजली खरीद के सस्ती बिजली दे रहे हैं तो कम बिजली की डिमांड रहेगी, तो कम पैसा शासन का खरीदने में खर्च होगा, आप लोगों के बिल का भार भी कम होगा। जिले की अगर हम बात करें तो कैसे डिवाइड किया गया गुना जिले को, सर थोड़ा स्ट्रक्चर बताइए। स्ट्रक्चर गुना जिला 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक रावगढ़ डिवीजन है, एक गुना डिवीजन, ये दोनों डिवीजन अलग अलग हैं, जिसमें
रावोगढ़ का रुठियाई से आगे का क्षेत्र पूरा मकसूदनगढ़ कुमराज चाचौड़ा ये सब उसी क्षेत्र में आता है। गुना के पास आरोन म्याना बमोरी और प्रॉपर गुना इस तरीके से दो पार्टों में बटा। ये थे एसपी शर्मा साहब, उन्होंने बताया कि मैं एक संदेश जनता को देना चाहता हूं आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से कि मितव्ययता जो बिजली की हो रही है उसको लेके हमें कोताही नहीं बरतना है, उसका बड़ा ध्यान रखना है, बिजली बचाना है। यदि हम गरीबों की बात करें तो कोई ज्यादा लोड गरीबों पर नहीं दिया जाएगा, इसके लिए शासन कटिबद्ध है। इंडिया न्यूज के लिए संदीप दीक्षित गुना। तो डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, घरेलू गैस भी महंगी हो चली है, साथ ही साथ आज कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। व्यापारियों पर क्या असर होता है, व्यापारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरह से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, शर्मा जी मेरे साथ में मौजूद है। शर्मा जी, जिस तरीके से लगातार रेट्स बढ़ रहे हैं और अब कमर्शियल गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है, कैसे मैनेज हो रहा है? सर, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी हो गई है। डीजल पेट्रोल दाम बढ़ने के साथ साथ हर चीज़ के भाव बढ़ गए हैं, शक्कर के, पत्ती के, गैस के, और कमर्शियल सिलेंडर ने तो हद कर दी। जब जून में सेकेंड लॉकडाउन खुला था जब कमर्शियल सिलेंडर का भाव 1100 रुपये था, आज तकरीबन इन 8-9 महीनों में कमर्शियल सिलेंडर का भाव 2200 रुपये हो गया। अब एक छोटा दुकानदार कैसे सर्वाइव करेगा, भाव भी नहीं बढ़ा सकता है। रुपये का फर्क पड़ा है, बाकी नहीं। पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई क्या लग रहा है कि महंगाई सिलेंडर भी बढ़ गया? सब काम धंधे चल नहीं रही है, पैसा पानी है नहीं, और फिर इन चीज़ों के भाव बढ़ेंगे तो फिर ये मान के चलो कि कुछ होना ही नहीं है, मतलब देश का उद्धार ही नहीं होना। घर का बजट किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं हम? कमाई तो मेरे ख्याल में जितनी थी उतनी है, कमाई ये 12000 रुपये बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई क्या लग रहा है कि महंगाई सिलेंडर भी बढ़ गया? सब काम धंधे चल नहीं रही है, पैसा पानी है नहीं, और फिर इन चीज़ों के भाव बढ़ेंगे तो फिर ये मान के चलो कि कुछ होना ही नहीं है, मतलब देश का उद्धार ही नहीं होना। महंगाई में मैनेज करना बहुत, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। 1000 रुपए की टंकी आ रही है, PNG के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, हर चीज़ के भाव, किसी भी चीज़ के देख लो, एक चीज़ के दो चीज़ के नहीं बताए अपन, हर चीज़ का भाव बढ़ा हुआ है। आप क्या करते हैं सर? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते, CNG से चलता होगा, CNG के भाव भी बढ़े? CNG के भाव भी बढ़े, 69 रुपीज ऊपर हो गए। और मीटर तो बढ़ा नहीं, मीटर का रेट तो बढ़ा नहीं, मीटर का रेट नहीं बढ़ा है, सवारी पैसा भी नहीं देती है इतना, घर चलाना मुश्किल है। कि महंगाई से थोड़ी राहत मिले ताकि घर का बजट सुव्यवस्थित हो सके। वीरेन रायकवार के साथ मैं आती आपसे के लिए न्यूज इंदौर। विद्यालय को माँ सरस्वती का मंदिर भी कहा जाता है, माँ सरस्वती को इस वक्त मैं यहाँ देख रहा हूँ। साथ ही साथ जब विद्यालय में देश के प्रधानमंत्री बच्चों को बात करते हैं तो वो अपने आप में एक अलग अनुभव है। सबसे पहले तो केंद्रीय विद्यालय के इन बच्चों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ। बेटा, प्रधानमंत्री जी को आपने सुना, हाउ मोटिवेशनल वॉज इट? सर, बहुत अच्छा लगा हमें सुन के, मतलब बहुत अच्छा लगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हुआ और हमें एग्जाम के प्रति जो टेंशन था उस वो थोड़ा कम हुआ कि मतलब अब टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। और सर, मतलब अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा। यानी अब 100% टेंशन नहीं लिया जाएगा? नो सर, 100% तो नहीं, थोड़ा तो टेंशन होगा ही क्योंकि एग्जाम्स हैं, मतलब कितने नंबर आएंगे। बस PM सर ने समझाया आपको कि टेंशन नहीं लेना है सर, पर 95% टेंशन नहीं होगा, बट 5% तो होगा ही। अच्छा, तैयारी पूरी है एग्जामिनेशन क्रैक करने की? यस सर, तैयारी तो भी हो ही जाएगी, टीचर्स भी बढ़िया है, KV के बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं और हमारे पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा, आपने PM सर को सुना, क्या मोटिवेशनल फैक्टर रहा? सर, मोटिवेशनल फैक्टर ये रहा कि सर मुझे अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ, मुझे जो डर था वो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी वो कहते हैं, मोटिवेट थॉट्स देते हैं, मोटिवेट करते हैं हम लोग को, बेसिकली मुझे अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। अच्छा, ऐसा लगता है ना कि हमारे ही घर के कोई बड़े हैं जो हमें समझा रहे हैं? यस सर, लगता है सर। यस सर। सर, बच्चों को तो काफ़ी कुछ लगता है, प्रिंसिपल सर भी मेरे साथ में मौजूद है। सर, आपके यहाँ के बच्चों ने बड़े गौर से सुना, एग्जामिनेशन स्ट्रेस की जो बात की जाती है, आज प्रधानमंत्री